नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बाबा चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल हमने कहा था कि निफ्टी गैप अप से खुलेगी 14600 के ऊपर, पर जरा ज्यादा ही खुली, सीधी 14650 पर जाकर खुली और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और नीचे इसने जो डिप मारा वो मारा इसने तकरीबन 14540 तक। अब 14540 से फिर इसने ऊपर की ओर रुख लिया और तकरीबन 14575 मतलब 145734 के आसपास ये क्लोज हुई। तो कल जहां थी तकरीबन वहीं पर क्लोज हुई और उसी पोजीशन पे रही। हालांकि जो बैंक निफ्टी ने जो सुबह खुली, बैंक निफ्टी वो खुली 32657 पर और सीधा इसने डिप लगाया वही 32150, जो हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल था, जो मैं पिछले एक दो हफ्ते से बता रहा हूँ आप सबको कि 32150 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जो पहले रेजिस्टेंस था, अब वो एक्सपोर्ट का काम किया आज इसने और तकरीबन 32150 से दोबारा ऊपर की ओर। हमने कहा भी था कि अगर 32150 32220 के आसपास कहीं बैंक निफ्टी मिले तो बहुत बेस्ट बाइंग है और वहां से और बाइंग आई सीधा ऊपर 32600 तक बैंक निफ्टी गई। तो इस तरह से इसमें हमें लगभग 300-400 पॉइंट का प्रॉफिट भी हुआ। अब आते हैं आगे। हमने तीन स्टॉक दिए थे कल, जिनमें से एक था एसबीआई। एसबीआई आज का टॉप गेनर भी रहा और हमने कहा था 288 से 294 तक जहां मिले हमने बाय करना है, तो ये जाकर मिला 2956 के आसपास मिला और उसके बाद ये सीधा गया 308 तक। तो इस तरह से इसमें हमें 10 से 12 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। और दूसरा स्टॉक था एचडीएफसी बैंक। ये हमने कहा था 1474 से 1493 के बीच जहां कहीं भी मिले, ये ओपन हुआ 1470 पे और ऊपर ये गया लगभग 1493 तक। तो 1493 हमारा पहला टारगेट था। तो इस तरह से इसमें हमें तकरीबन 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। और जो तीसरा स्टॉक था वो था टाटा केमिकल। ये भी एक हिट स्टॉक रहा मिड कैप का और हमने इसे कहा था 517 से 52 तक कहीं भी बाय कीजिए, तो 528 पर ही हमें मिल गया और 550 का इसने टारगेट बुक हुआ और इस तरह से 22 पॉइंट का प्रॉफिट इसमें से हुआ। तो इस तरह से टोटल हमें अगर देखें 80-90 पॉइंट या 50-80 पॉइंट्स का प्रॉफिट आराम से इसमें हुआ। और अब जो दर्शक नए जुड़े हैं, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और जैसे ही हमारी वीडियो है ताकि आप तक पहुंच सके। और नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है और वहां पर जरूर क्लिक कीजिए। हमारी सुबह कमेंट्री आती है, 7 से 7:30 के आसपास हमारी कमेंट्री डेली पड़ती है उसमें, और डाओ फ्यूचर के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि अब निफ्टी का बिहेवियर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का बिहेवियर कैसे रहेगा। इसके अलावा जिन्होंने डीमैट अकाउंट खोलना है तो नीचे एंजल ब्रोकिंग और एलिस ब्लू का लिंक दिया है, वहां से आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो अब आगे जो कल के लिए तीन स्टॉक है वो है इंडस बैंक। अब इंडस बैंक को आपने बाय करना है 940 से लेकर 956 तक और ऊपर के टारगेट रहेंगे 968-973। अगर यहीं पे मिल गया 943 के आसपास तो पहला टारगेट 956 रहेगा, फिर 968-973 फाइनल टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है हमारा आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री 1277 के ऊपर से लेकर 1290 तक कहीं भी मिले तो बाय करना है और उसके बाद जो अगले टारगेट 1290, 1302 और 1314 रहेंगे। और नीचे का स्टॉप लॉस आपने लगाना है तकरीबन 1270 का। और एसबीआई का स्टॉप लॉस हम बताना भूल गए, एसबीआई का स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा तकरीबन 290 का। और उसके बाद जो तीसरा स्टॉक है इंडस बैंक का भी स्टॉप लॉस जो आपने लगाना है वो आपने लगाना है 930, 940 से 943 के बीच बाय करना है, 956-968-973। आरती इंडस्ट्री का टारगेट 1290-1302-1314 बाय 1277 के आसपास और नीचे स्टॉप लॉस 1270।
और SBI आपको बता ही दी। अब आगे बैंक निफ्टी में हमने क्या करना है, तो बैंक निफ्टी में आपको आज की ट्रेड से ही पता चल गया होगा क्या ट्रेड थी। कल फिर आपने ध्यान रखना है कि 32150 32150 से 32220 के आसपास कहीं कहीं भी हमें बैंक निफ्टी मिले तो छोड़ना नहीं है, फटाफट बाय करना है। और इसके अलावा जो कल की स्पोर्ट रहेगी वो रहेगी 32440, 32440 से लेकर यहाँ कहीं भी अगर बैंक निफ्टी मिले तो बढ़िया। आपने जो कॉल लेनी है वो 32400 की कॉल लेनी है और ऊपर का टारगेट रहेगा 32650, 32650, 32850 और 33117 का। और नीचे जो स्टॉप लॉस रखना है वो आपने 32150 के नीचे कहीं पर भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस और वहां से आप निकल सकते हैं। तो कल के लिए यही स्ट्रेटजी है। और कल ध्यान रहे, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि वेंसडे और थर्सडे एक डेंजरस डे होते हैं और उस दिन अपना आपने कम लोट में काम करना है क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी डिप मारते हैं, क्योंकि एक मौका कॉल राइटर्स को भी दिया जाता है। तो इस तरह से आपने कल फिर से डिप मार सकती है बैंक निफ्टी और हो सकता है तकरीबन 32850 से डिप लगाए या 33117 से डिप लगाए। इन दो लेवल पर कहीं पर भी डिप लगाए तो आपने पुट बाय करनी है बैंक निफ्टी की। और यहाँ नीचे के टारगेट यही वापस 32650 और 32440 के रहेंगे। और 32440 के आसपास आए तो फिर से आपने इसको बाय ही करना है बैंक निफ्टी को और फिर यहीं कहीं क्लोज हो सकती है। मतलब पहले तो आपने कॉल बाय करनी है और फिर उसके बाद पुट बाय करनी है। तो उसके आगे अब आते हैं हम निफ्टी पर। निफ्टी का इंडिया विक्स 23.29 काफी बढ़ गया है और वेंसडे थर्सडे को बढ़ता ही है। तो उसके बाद जो पुट कॉल रेशियो है वो तकरीबन 1.88 है, काफी हाई है। तो अब चलते हैं इसमें। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा कॉल राइटर कहाँ है, वो पुट राइटर है 14,000 पर। तो 14,000 पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है। और आज जो प्रूफ किया मार्केट ने कि ये हमारी स्पोर्ट है तो वो कहाँ पे है, 1450 पर, 14500। ये एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट साबित हुई है आज निफ्टी ने। हालांकि पूरी जबरदस्त डिप लगाई है पर यहां से ये रिवर्स हुई है 14450 14500 से। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा हुआ है कि 14426 एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, तो उसको उसने मार्केट ने रिस्पेक्ट भी दी है। उसके आगे अब आते हैं हम कॉल पर। तो कॉल राइटर सबसे ज्यादा अगर इकट्ठा हो रहा है वो है 14700 14700। और उससे कम सबसे ज्यादा कॉल राइटर ऐड हो गया वो है 14600। मतलब 14600 पर भी एक फाइट होगी बुल और बियर्स के बीच में। और अगर डाउ फ्यूचर फिर से पॉजिटिव हुआ तो 14600 क्रॉस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके अलावा इस तरफ जो कॉल राइटर है वो है पुट राइटर है सॉरी ये देखिए वो है 566400। मतलब कॉल राइटर्स का हौसला कम है इस पर, ज्यादा जो कॉन्फिडेंट है वो कॉल राइटर ज्यादा है कि उन्हें ये है कि 14600 क्रॉस नहीं होगा। पर जिस तरह से आज मार्केट क्लोज हुई है अपने हाई पर तो ऐसा लग रहा है कि अगर कल फिर से डाउ फ्यूचर पॉजिटिव हुआ, क्योंकि स्टिमुलस पैकेज की न्यूज जो आ रही है कि थर्सडे को अनाउंस होने वाला स्टिमुलस पैकेज, तो अगर स्टिमुलस पैकेज की न्यूज और तेज हुई आज रात को तो डाउ फ्यूचर और तेज होगा जिससे मार्केट ऊपर खुल सकती है और फिर 14600 के ऊपर खुलेगी बशर्ते डाउ फ्यूचर पॉजिटिव हो। तो उसके बारे में हम कमेंट्री देंगे फ्री टेलीग्राम चैनल पर, सुबह 7:30-8 बजे देख लेना।
तो हम वहां पर भी क्लियर कर देंगे कि निफ्टी कैसे खुलेगी। उसके अलावा जो ऊपर के टारगेट रहेंगे वो फिर से 14650 अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा दोबारा से, और उसके बाद 14700 और 14650 और जहाँ 14700। हालांकि कल हमने कहा था कि 14700 पर पुट आपने बाय करनी है, पर आज थोड़ा जल्दी मार्केट घूमगी और अगर कल 14600 के ऊपर खोली तो कल 14650 भी जरूर क्रॉस होगा और 14700 जैसे हिट होगा फिर से आपने पुट बाय करनी है। तो अब आते हैं थोड़ा इस पे चार्ट पर क्लियर करते हैं कि आपने करना क्या। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए 14573 या 14635 के बीच कहीं पर भी निफ्टी मिले तो सबसे पहले आपने यहां पर कॉल बाय करनी है और उसके बाद 650 पर प्रॉफिट बुक कर लेना एक बार, और 14650 जैसे ही क्रॉस होए फिर से दोबारा एंटर होना है और 14718 तक मार्केट जाएगी। उसके बाद 14700 जैसे ही आए आपने एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है और यहां से आपने फिर से पुट बाय करनी है। तो नीचे के लेवल जैसे आज रहे हैं 14426 तक वापस जा सकती है, पर जो काम एक बार हो गया वो दोबारा रिपीट नहीं होता, ध्यान रखना। और कल थर्सडे है और कल अगर वाकई में 14600 के ऊपर खुली तो ये भी हो सकता है कि 14700 भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि मार्केट हमेशा सरप्राइज करती है ट्रेडर्स को। और 14718 का आपने स्टॉप लॉस लगाना है जब आप पुट लेंगे, ध्यान रखें। और 14718 जैसे ही क्रॉस होगा एक नया बाउंस बैक आएगा ऊपर की ओर, और जो नए जो लेवल निकल के आएंगे वो हम कल फ्री टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे। वो जिस हिसाब से इंट्राडे में ट्रेडिंग होगी तो उस हिसाब से हम वो बताएंगे आपको लेवल कि क्या निकल के आते हैं। वैसे जो मोटे तौर पर लेवल है वो 14750, 14750 और 14815 और 14845 तक के, 815 और 845 ये दो तीन टारगेट हैं जो ऊपर के निकल के आते हैं, तो इसके चांस भी कम है और हो सकता है मार्केट यहीं पे क्लोज हो जाए 14675 से 14700, क्योंकि मार्केट हमेशा सरप्राइज करती है ऊपर के लेवल पर। और हालांकि जो वेंसडे को हो गया वो थर्सडे को रिपीट नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। तो इस तरह से ये रहा हमारा ट्रेड सेटअप, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।